सरदार पब्लिक स्कूल विजापुर स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस क्वेश्चन नंबर टेन एट इन पेज नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर टेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंस वन व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर? आप बिना पानी के क्या काम कर सकते हो स्पीकिंग वॉकिंग रीडिंग एंड प्लेइंग तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम पानी के बिना कर सकते हैं वॉट कैन यू नॉट डू विदाउट वाटर आप पानी के बिना क्या नहीं कर सकते हो ईटिंग फूड वॉशिंग यूटेंसिल्स बाथिंग कुकिंग वॉशिंग क्लोथ्स तो हम पानी के बिना क्या नहीं कर सकते हैं? खाना नहीं खा सकते वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन नहीं धो सकते हैं बाथिंग नहा नहीं सकते हैं कुकिंग खाना नहीं पका सकते एंड वॉशिंग क्लोथ्स मीन्स कि कपड़े धो नहीं सकते है नंबर थ्री हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर क्या आपने कभी हॉट वाटर को आते ग्राउंड में से आते हुए देखा है कहाँ देखा है येस yes, इन सूरज कुंड हरियाणा कहाँ पर देखा है हरियाणा में जो सूरज कुंड है वहाँ पर देखा है डज एनी रिवर फ्लो एक्रॉस योर विलेज और सिटी इफ़ यस राइट इट्स नेम द रिवर यमुना पास थ्रू डेली तो डेली है वहाँ पर कौन सी यम, कौन सी रिवर पास होती है यमुना रिवर नंबर फाइव डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स राइट देअर नेम्स रिवर्स के नेम लिखना है यहाँ पर जो आपको पता है यमुना गंगा गोदावरी तापी नर्मदा साबरमती मही सरस्वती एक्सेट्रा तो ये सारे नेम्स कौन से हैं रिवर्स के नेम है नंबर सिक्स विच क्रिएचर्स ऑफ अर्थ नीडेड वाटर ऐसे कौन से क्रिएचर्स है जीव है जिसे पानी की ज़रूरत है ह्यूमन बींग्स एनिमल्स बर्ड्स प्लाट्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें सबको किस की ज़रूरत होती है पानी की ज़रूरत होती है दे ऑल नीड वॉटर नंबर सेवेन फॉर विच एक्टिविटीज़ इज़ वाटर नीडेड इन योर हाउस आपके घर में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें पानी की जरूरत होती है इन आवर हाउस वाटर इज नीडेड फॉर मॉर्निंग कोर्स ड्रिंकिंग कुकिंग बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स नेम द सोर्स ऑफ वाटर वाटर सोर्सेज के नेम लिखने रेन स्ट्रीम्स रिवर्स वेल्स और ट्यूब ट्यूबवेल्स पॉन्ड्स लेक्स एक्सेट्रा इन वॉट इज वाटर स्टोर इन योर हाउस आपके घर में पानी किस में स्टोर होता है इन अवर हाउस वाटर इज स्टोर्ड इन एन अंडरग्राउंड टैंक एंड इन एन ओवर हेड टैंक बिल्ट ऑन द टेरेस या तो अंडरग्राउंड में जो टैंक बनाई है उसमें स्टोर करते हैं या तो फिर टेरेस में जो ओवर हेड टैंक होती है उसमें हम स्टोर करते हैं टू विच प्लेसेज डज रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्लो अवे इन टू द अर्थ द गटर स्पॉन्ट्स एंड द रीवर्स किस में जाता है जो रेन वाटर होता है जमीन के अंदर घटर में या तो फिर पॉन्ड में या तो फिर रिवर्स में ओके नाउ लुक एट पेज नंबर थर्टी वाई डू क्रॉप्स ड्राई अप इफ इट डज नॉट रेन एंड क्रॉप्स आर नॉट गिवन वाटर दे ड्राई अप क्रॉप कभी सूख जाते हैं अगर रेन नहीं होगी तो और हम जो क्रॉप हमने ग्रो किए उसमें पानी नहीं डालेंगे उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे ड्राई मीन्स कि सूख जाएंगे वॉट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर वाटर से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीम कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रीम को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर क्वेश्चन नंबर थर्टीन वॉट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ वाटर सोर्स ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है द प्लेस फ्रॉम वेर वाटर इज ऑप्टेंड विद द हेल्प ऑफ वाटर ऐसे प्लेस जहाँ से हमें पानी मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे वाटर का सोर्स बोलेंगे मतलब कि जहाँ से पानी हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं सोर्स ऑफ वाटर वॉट इज़ ए स्ट्रीम वाटर ट्रैप ऑन माउंटेन्स और हिल एरियाज फाइंड सम वे आउट एंड स्टार्ट फॉलोइंग रैपिडली दिस फास्ट फ्लोइंग वाटर इज़ नॉन एज अ स्ट्रीम तो स्ट्रीम किसे कहते हैं तो जो माउंटेन होता है या तो फिर हिली एरिया होता है और यहाँ वहाँ से जो पानी रैपिडली मतलब कि जल्दी से फ्लो होता है फास्ट फ्लोइंग होता है तो उसे क्या कहते हैं स्ट्रीम कहते हैं झरना विच डिजीज आर कॉजिज बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर गंदा पानी पीने से कौन से डिजीज होंगे बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर डिजीज लाइक टाइफॉइड कॉलेरा कॉलिक जॉन्डिस एक्सेट्रा आर कॉज तो ऐसे सारे डिजीज ऐसे रोग हमें हो सकते हैं वॉट इज एडेड टू अलेज वेल टू मेक इट्स वॉटर जॉम्स फ्री तो जर्म्स फ्री बनाने के लिए विलेज के वेल में क्या डाला जाता है पोटेशियम पर मैंगनेट इज एडेड टू अलेज वेल टू मेक इट्स वाटर जॉम फ्री तो विलेज का वेल जो होता है उसमें क्या एड किया जाता है वॉटर को जम फ्री करने के लिए पोटेशियम पर मैंगनेट क्वेश्चन नंबर इलेवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ स्टूडेंट्स नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वाटर फैसिलिटी अवेलेबल इन देयर विलेज और हाउस यहाँ पर क्वेश्चन दी है तो उसके आंसर आपके घर पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है या तो फिर आपके गांव में जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है उसके डिपेंड आपको आंसर लिखने हैं एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर आपके घर में पानी कैसे मिलता है ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी एट होम वाटर कम्स फ्रॉम पाइप लाइन पाइप लाइन के थ्रू हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है Where डू यू नीड टू गो टू फैच वाटर हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंक वाटर पानी भरने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है और कितना टाइम लगता है तो हमें पानी भरने के लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ता है तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे नो वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर हमें पानी की ज़रूरत क्यों है वाटर इज स्टोर्ड उसे स्टोर क्यों करना पड़ता है पानी को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों है वाटर इज स्टोर सो दैट इट कैन बी यूज वैन वाटर सप्लाइड इज़ नॉट अवेलेबल जब भी वाटर सप्लाइड नहीं होगा जब भी पानी नहीं आता होगा तभी हमें जो काम करना है तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है तो उस वजह से हमें वाटर को क्या करना पड़ता है स्टोर करना पड़ता है नाव एट पेज नंबर थ्री वन थर्टी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्सप्लेन गिविंग रीजन्स यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं तो हमें उसके रीजन्स देने हैं वाई नंबर वन वी शुड टेक वाटर फ्रॉम द पोट विथ ए लॉन्ग हैंडल मेटल कप ओनली बिकॉज हमें अगर पानी लेना है तो हमें पोट में से पानी लेना है मटके में से तो हमें लॉन्ग है, हैंडल मेटल कप यूज़ करना है क्यों करना है वाई तो बिकॉज इफ़ वी डीप ए ग्लास इन द पोट टू टेक वाटर वाटर लेने के लिए हम अगर ग्लास को अंदर डिप करेंगे तो क्या होगा जम्प्स एंड डर्ट फ्राम अवर हैंड्स एंड नेल्स विल गो इन टू द वॉटर जो हमारे हाथ में और ग्लास के ऊपर या तो फिर नेल्स के ऊपर जो भी जम्प्स लगे होंगे वो क्या होगा वाटर के अंदर जाएंगे गो इन टू द वॉटर द ग्लास में बी अन वॉश और यूज विच विल मेक द वॉटर इन द पोट अन क्लीन अगर जो ग्लास है वो अन वॉश है मतलब कि धोए बिना का है और उसे या तो फिर यूज़ किया गया है तो अंदर हम डालेंगे तो क्या होगा पॉट अनक्लीन हो जाएगा गंदा हो जाएगा वेन वी टेक वाटर विथ द लॉन्ग हैंडल मेटल कप नथिंग लाइक दिस हैपन अगर हम लॉन्ग हैंडल मेटल कप को यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ भी होगा नहीं तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए लॉन्ग हैंडल मेटल कप यूज़ करना चाहिए चलो क्वेश्चन नंबर टू देखो वॉट ई सॉरी वाटर इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स इन विलेज डज नॉट रिमेन्स क्लीन बिकॉज जो पॉन्ड्स एंड रिवर्स का जो वाटर होता है विलेज की वो ऑन वो क्लीन नहीं होता है क्यों नहीं होता है तो विलेज पीपल वॉश क्लोथ्स वो कपड़े धोते हैं क्लीन यूटेंसिल्स बर्तन धोते हैं बाथ देयर कैटल्स उनके जो कैटल्स होते हैं मीन्स के एनिमल्स होते हैं उनको वहाँ पर नहलाते हैं पास यूरिन मतलब कि वो जो उनका पास्ट यूरिन एंड स्टूल्स मतलब कि उनका जो यूरिन और स्टूल होता है वो पानी के अंदर चला जाता है ऑन द बैंक्स ऑफ पोंड्स एंड रिवर्स एंड थ्रो गार्बेज इन टू द पोंड्स एंड रिवर तो जो पोंड के एंड रिवर के अंदर वो लोग गार्बेज भी फिर डालते हैं तो क्या होता है रिवर और पोंड का जो पानी होता है वो क्या हो जाता है गंदा हो जाता है तो क्यों गंदा होता है बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज रिवर्स आर नॉन एज लोक माता बिकॉज रिवर को लोक माता कहा जाता है क्यों कहा जाता है सो लेट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन कम अप ऑन बैंक ऑफ रिवर्स इन एशियन टाइम्स मनुष्य मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से स्टार्ट हुई है बैंक ऑफ़ रिवर से स्टार्ट हुई है एशियन टाइम मतलब कि पहले के ज़माने में वॉर वाटर फ्राम रिवर इज़ ईजिली अवेलेबल फॉर ऑल ह्यूमन नीड्स वाटर रिवर का जो पानी होता है रिवर में से जो पानी मिलता है वो इजीली अवेलेबल होता है ह्यूमन की जो नीड्स है उसके लिए रिवर्स प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग कुकिंग वॉशिंग एक्ट एक्सेट्रा रिवर्स हमें इजीली प्रोवाइड करता है सफिशिएंट वाटर किसके लिए एग्रीकल्चर मीन्स की खेती करने के लिए ड्रिंकिंग मीन्स पानी पीने के लिए कुकिंग खाना बनाने के लिए और वॉशिंग जो वॉशिंग मीन्स दो तो सारे जो भी काम है उसके लिए रिवर हमें इजीली वाटर प्रोवाइड करता है सफिशिएंट वाटर सो दैट्स वाई रिवर आर नोन एज लोक माता क्वेश्चन नंबर फोर वी शुड नॉट मिस यूज़ वाटर बिकॉज हमें वाटर का मिस करना नहीं चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए वाटर इज ए प्रीशियस नेचुरल वेल्थ वाटर क्या है कीमती नेचुरल संपत्ति है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इरेगुलर रेंस एंड इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज वाटर हैज़ बिकम स्केयर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से रेन कम होने की वजह से और इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से और वाटर क्या हो गया है कम हो गया है तो हमें तो वाटर कम होने लगा है तो हमें क्या करना चाहिए उसका मिस यूज करना नहीं चाहिए ड्यूरिंग सर्च सरकम टेंस दिस नेचुरल वेयर शुड बी नॉट बी वेस्टेड इस वजह से हमें वाटर को क्या करना नहीं चाहिए वेस्ट करना नहीं चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन राइट और शॉर्ट नॉट ऑन मॉनसून रेनी सीजन ये आपको लिखना नहीं है इसे प्रिपेयर करना नहीं है दैट्स वाई यहाँ पर क्रॉस किया गया है तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और ऐसे ही सेम आप लोगों को वर्कबुक में फिलअप करना है थैंक यू स्टूडेंट्स